नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 और लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड का जोशी मठ इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। जोशी मठ को आपदा बहुत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और इस शहर के साथ ही आसपास के इलाकों में भी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के जोशी मठ में भू धसाव के बीच 4000 लोगों को वहां से सुरक्षित जगह पर निकाला जा चुका है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि जिन बिल्डिंगों में दरारें और ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें जमींदोज किया जाएगा, जिससे पास की इमारतों को नुकसान न हो। जोशी मठ के इलाके को 3 जोन में बांटा गया है, जो खतरनाक, बफर और पूरी तरह से सुरक्षित हिस्सों में रखे गए हैं। इन जोन को मैग्नीट्यूड के आधार पर भूस्खलन के खतरे को देखते हुए बनाया गया है। बताया जा रहा है कि भू धसाव के शिकार जोशी मठ की 600 से ज्यादा इमारतों पर दरारें मिली हैं। लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त हो चुके होटलों और घरों को आज से गिराने का काम शुरू होगा। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि जिनमें भूस्खलन और धसने के बाद दरारें आ गई थी, वे होटलों और घरों को आज से गिराना शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि होटल मलारी और माउंट व्यू में पहले से अधिक दरारें आ गई हैं, जिन्हें मंगलवार यानी आज गिरा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी निवासियों को असुरक्षित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया है। बता दें कि जोशी मठ में जमीन धंसने की समस्या के बीच कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर में भी कुछ मकानों में दरार देखने को मिली। सीबीआई आरआई यानी केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के विशेषज्ञों की एक टीम को देखरेख में इमारतों को गिराने का काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की एक टीम जरूरत पड़ने पर विध्वंस कार्य में जिला प्रशासन की सहायता के लिए तैयार है। NDRF ने कहा विशेषज्ञ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और प्रशासन उनके निर्देश और सलाह पर कार्रवाई करेगा। स्थानीय निवासी मनमोहन सिंह रावत ने कहा वे अभी भी यहां रहने वाले 15 से 20 परिवारों की सुरक्षा के लिए इन होटलों को तोड़ रहे हैं। हमारे घर नष्ट हो गए हैं। सोमवार को जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि एक केंद्रीय टीम चमोली जिले में भू धसाव से हुए नुकसान का जायजा लेने और स्थानीय प्रशासन के साथ राहत और बचाव के प्रयासों में समन्वय करते हुए आगे का रास्ता सुझाने के लिए आने वाली है। खुराना ने कहा कि गृह मंत्रालय की एक टीम मंगलवार को जोशी मठ आएगी। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की की टीम की देखरेख में इमारतों को गिराने का काम कल शुरू होगा। बता दें कि इससे पहले सोमवार को जल शक्ति मंत्रालय की एक टीम भी जोशी मठ पहुंची। जिन इलाकों में इमारतें गिराई जाएंगी उन्हें प्रशासन ने असुरक्षित क्षेत्र घोषित कर खाली करा दिया है। चमोली के DM ने बताया कि जिन इमारतों को असुरक्षित पाया गया है उन्हें खाली करवा दिया गया है और उन इमारतों के आसपास बफर जोन भी बनाया गया है। आज रुड़की से CBRI की एक टीम आएगी और ये पता लगाएगी किन इमारतों को गिराने की जरूरत है। NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से उनके आवास पर मुलाकात की और राहत एवं बचाव कार्यों पर चर्चा की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जोशीमठ क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और भूस्खलन के कारण जांच का आश्वासन दिया। राज्य प्रशासन को भी आपदा राहत जुटाने में केंद्र का आश्वासन दिया गया था। इसी बीच जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चमोली ने जोशीमठ क्षेत्र में भूस्खलन को देखते हुए आपदा प्रबंधन से संबंधित बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन के मुताबिक जोशीमठ टाउन एरिया में कुल 678 इमारतों में दरारी देखी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर कुल 81 परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया है। बुलेटिन में ये भी कहा गया है कि जोशी मठ शहर क्षेत्र के तहत 213 कमरों को अस्थायी रूप से रहने योग्य के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनकी क्षमता 1191 अनुमानित है। इसके अलावा जोशी मठ क्षेत्र के बाहर पीपल कोटी में 2205 की संयुक्त क्षमता वाले 491 कमरे और हॉल की पहचान की गई है। बनी रहेगी हमारी नजर इसी तरह की बड़ी खबरों पर। देखते रहिए इंडिया 24x7।